राष्ट्रीय पोषण माह के तहत शनिवार को जंगल सालिकराम में पोषण माह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बच्चों का वजन लेने के साथ गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों का टीकाकरण किया गया, जिसमें 5 बच्चे चिन्हित हुए तथा 7 गर्भवती महिलाओं की परसों पूर्व हीमोग्लोबिन की जांच की गई। इस दौरान 4 गर्भवती व 28 बच्चों का टीकाकरण किया गया तथा 31 बच्चों का वजन की जाँच हुई। कार्यक्रम में 13 किशोरियों का हीमोग्लोबिन जांच भी किया गया। इस मौके पर बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रदीप श्रीवास्तव ने बच्चों के जन्म से 2 साल तक पोषण के महत्व को बताते हुए कहा कि शासन की मंशा है कि कोई भी बच्चा कुपोषण का शिकार ना हो सके। इसके लिए सरकार ने कुपोषित परिवार को 1 गाय निःशुल्क देने का प्रस्ताव किया है। कार्यक्रम में मुख्य सेविका मोहित सक्सेना, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री कंचन त्रिपाठी, सरिता गुप्ता, शीला यादव, सीमा श्रीवास्तव सहित अन्य कार्यकर्त्री मौजूद रहीं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रदीप श्रीवास्तव तथा सुपरवाइजर मोहित सक्सेना ने कहा, एक तो स्वयं बटो होते हैं जो अपने शारीरिक संरचना में पूर्ण तो होते हैं लेकिन बहुत कमजोर होते हैं, उनका वजन कम होता है, सामान्य रूप में देखने में ही लग जाते हैं कि ये बच्चे बहुत कमजोर हैं। इन बच्चों को हमको चिन्हित करके बाहर ले आना है, सार्वजनिक करना है कि ये बच्चे अतिकुपोषित हैं, सैम हैं, उसकी सूची बनानी है और फिर उनका अनुश्रवण करना है, उनकी निगरानी करनी है, किया जाता है। और उन 14 दिनों के दौरान 4 दिन के बारे में बार बार बताया गया है कि जिस दिन बच्चा गर्भ में आया वहाँ से लेकर के अगला 2 साल, मतलब अगर 9 महीने को हम जोड़ लें 270 दिन और 2 साल उसमें जो ऐड कर दें 730 दिन, इस 1000 दिन में बच्चे की पूरी विकास की संरचना जो है सुदृढ़ हो जाती है। उसके बाद जो विकास कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, नींव पड़ जाती है उसकी बच्चे की, और जितना मजबूत हम उनको नींव दे पाएंगे उतना स्वस्थ बच्चा होगा। और जो भी बच्चा है आंगनबाड़ी की जिम्मेदारी है कि कह दीजिए कि हमारे बच्चे का वजन इस महीने नहीं हुआ, जाँच होगी यहाँ पर, से उनके घर के जो लाभार्थी वर्ग हैं उनके घर से भी कुछ बहनें कुछ माताएं आई हैं। तो यहाँ पे 3 चीज़ें विशेष तौर से ध्यान दी गई हैं। एक तो टीकाकरण आज सप्ताह हो रहा है, जो बच्चे हैं या जो गर्भवती महिलाएं हैं जिनको आज टिटनेस का टीका लगना है वो भी लग रहा है, बच्चों का वजन लंबाई भी हो रहा है। इसके साथ ही साथ पोषाहार से बनी विभिन्न रेसिपी यहाँ पर रखी गई हैं, इसीलिए रखी गई हैं ताकि जो आंगनबाड़ी केंद्र से पुष्टाहार आपको प्राप्त होता है उससे आप घर में ले जा के इस तरह से बना पाएँ। यहाँ पे आप चेक करके भी देख सकती हैं कि कैसा उसका स्वाद है, जब यहाँ टेस्ट कर लेंगी तो घर पे जाके बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा और विधि भी आपको यहाँ पे बता दी जाएगी। दूसरी चीज़, ये रंगोली बनाई गई है जो पोषक तत्वों से, उसका मेन रीज़न यही है कि किस चीज़ में कौन सी कितनी कैलोरी मिलती है और कौन से विटामिन, कौन से तत्व, प्रोटीन, कार्बोज, खनिज लवण, विटामिन, जो भी तत्व हैं वो किस किस मात्रा में कितने कितने मिलते हैं और कैसे हम उसको उपयोग कर सकते हैं अपने खाने में। ज़रूरी नहीं है कि हम महंगी चीज़ें ही खरीद के खाएं तभी हमें कैलोरी और पौष्टिक तत्व भरपूर मात्रा में मिलेंगे, ऐसा नहीं है। हम सस्ती चीज़ों से भी हमारे शरीर की जो आवश्यकता है उसके अनुरूप पौष्टिक तत्व प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज हमारे इस BHND कार्यक्रम में बताई जा रही हैं आप सबों को। इसको सजाने का यही मतलब है, आप इस सजावट के ऊपर ना जा कर के इसमें पाए जाने वाले तत्वों से परिचित हो जाएं। 6 किलो है, 6 किलो है सर। ये एडमिट थी लेकर के, तो फिर वहाँ बहुत दिन तक लोग रखे, लोग चले आए, फिर इनसे बहुत अब ये फोर्स किए लेकिन ये जाने की तैयारी नहीं है, डर रही है वहाँ पे। 46 किलो कार्ड लेके जिनको मैंने बुलवाया वो आ जाए, ले आए थे हम, देख रहे हैं ऐसे नहीं, ऐसे घूम जाए नहीं, एकदम बस ऐसे ढीला करिए, ढीला करिए, हिलाइए का नहीं, एकदम आराम से रहिए आप।
जैसे ये सितंबर माह को हम लोग पिछले 3 साल से पोषण माह के रूप में मना रहे हैं, और इस साल चूंकि शुरू में माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी का देहांत हो गया था तो 1 सप्ताह का राजकीय शोक था, तो 7 तारीख से इसकी शुरुआत हुई और गोरखपुर जनपद में CDO साहब ने शुरुआत की थी घोसीपुरवा में। और इसका जो हमारा मुख्य रूप से 2-3 थीम है, एक चीज़ तो ये है कि हमको जो स्वयं बच्चे हैं, कुपोषित बच्चे हैं, उनको चिन्हित करना है, उनकी निगरानी करनी है, और पोषण वाटिका को लेकर के इस बार बहुत जोर दिया गया है। और तीसरी एक नई चीज़ माननीय मुख्यमंत्री जी ने VC में जिक्र किया कि जो बच्चे अति कुपोषित हैं अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो उनको निःशुल्क गाय दिलवाई जाएगी। उसका उद्देश्य उनका उन्होंने बताया कि एक जब पोषण वाटिका लगाएंगे तो उनके लिए एक ऑर्गेनिक खाद भी मिल जाएगा और बच्चे के लिए ज़रूरी दूध भी मिल जाएगा, और ये निःशुल्क गाय के साथ साथ उनको 900 रुपये हर महीने उस गाय को खिलाने पिलाने के लिए भी दिया जाएगा। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं स्वयं बच्चों का चिन्हीकरण कर लें और उनके अभिभावकों से मिल करके उनको प्रेरित करें, अगर उनके पास जगह है और वे काम कर सकते हैं तो उनको शासन की मंशा अनुसार उनको एक एक गाय भी दिलवाया जाएगा। और पोषण वाटिका के लिए भी स्थान चिन्हित किया जा रहा है, जहाँ जहाँ स्थान है वहाँ सहजन के पेड़ और उनको उपयोगिता के बारे में बताया जाएगा क्या क्या उपयोगी हो सकता है, उनसे पौधों को लगवाया जाएगा। मोहित सक्सेना, सुपरवाइजर शहर परियोजना। HND का कार्यक्रम है ये। BHND में हम लोग आंगनवाड़ी केंद्र यहाँ जंगल सालीग्राम का है, यहाँ कंचन त्रिपाठी के केंद्र पे BHND का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें टीकाकरण लग रहा है हो रहा है, स्वयं बच्चों का चिन्हांकन हो रहा है और गर्भवती माताओं की जांच भी हो रही है। यहाँ महिलाएं बहुत सारी आई हैं, लाभार्थी वर्ग के महिलाओं के घर के अभिभावक भी आए हैं। ये कोशिश की गई है इस कार्यक्रम के द्वारा उन्हें पोषाहार के विभिन्न व्यंजन बना करके बताया गया है कि किस तरह से हम पुष्टाहार से घर पर ले जाके स्वादिष्ट व्यंजन बना सकते हैं और खा सकते हैं। इसके साथ ही साथ पोषण से संबंधित रंगोली भी बनाई गई है। ये रंगोली इसीलिए बनाई गई है ताकि उन्हें ये पता चल सके कि इसमें कौन से विटामिन, कौन से प्रोटीन, कार्बोज, खनिज लवण, क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी कैलोरी है, हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुसार हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और हम कैसे इसका कम दाम में खरीद कर खा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सस्ती महंगे सामानों में ही हमें कैलोरी विटामिन प्राप्त होते हैं, हम सस्ते सामानों से भी अपने शरीर की आवश्यकता के अनुसार कैलोरी और विटामिन सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सरल तरीके से बताने का प्रयास किया गया है और पोस्टर भी कुछ लगाए गए हैं। इन पोस्टरों के माध्यम से भी ये जानकारी दी गई है कि आंवला है, सहजन है, हाथ कैसे धोया जाता है, हमारे लिए आंवला सहजन कितने उपयोगी हैं। इसके साथ ही साथ डेंगू के कारण, लक्षण, उपचार और इस समय जो कोरोना फैला है इससे बचाव कैसे हो सकता है, ये सारी चीज़ें इस पोस्टरों के माध्यम से बताने की कोशिश भी इस कार्यक्रम के माध्यम से की गई है।